जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि देश भर में प्याज की कीमतों को लेकर अपडेट पहुंचाने के लिए आप देख रहे हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। दिल्ली से मेघा उपाध्याय हमारे साथ हैं, मुंबई से लता शर्मा, भोपाल से निधि श्री, चंडीगढ़ से सचिन हमारे साथ मौजूद हैं और जयपुर से जैनेन्द्र कुमार हमारे साथ हैं। पहले आपको जयपुर जैनेन्द्र के पास लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं जैनेन्द्र से, मंडी में खड़े हैं क्या जैनेन्द्र आप, और जरा बताइए यहाँ पर प्याज की कीमतें कितनी हैं और क्या पिछले कुछ ही दिन में यहाँ पर भी इजाफा हुआ है कीमतों में? बिल्कुल रोमाना, मैं जयपुर की एक सब्जी मंडी में हूं और यहां भी वही हाल है जो बाकी देश का हाल है। आज थोक मंडी में प्याज 60 रुपए किलो का भाव मिल रहा है और अगर हम बाहर खुदरा बाजार में बात करें, ठेलों के जरिए जो मोहल्लों में सब्जी पहुंचती है, तो वहां 70 रुपए किलो तक का प्याज मिल रहा है। दुकान वाले से जानते हैं कि ये कितने दिनों में कीमतें बढ़ी हैं भैया? 5-6 दिन हो गए। इससे आपकी बिक्री पर क्या असर पड़ा है, लोगों की खरीदारी में क्या असर आया? खरीदारी बिल्कुल बेकार है, पहले बिकती थी 15 बोरी, आज बिक रही 2 बोरी। ये क्यों बढ़ गई कीमतें और कम कैसे? इतनी महंगी है, 2-4-10 दिन में मंदी हो जाएगी। क्यों, अभी तो बरसात नहीं हो रही, क्यों? माल नहीं है उसके वजह से। तो ये अर्थशास्त्र का जो सीधा गणित है कि अगर सप्लाई प्रभावित होती है तो कीमतें बढ़ती है, वो कह रहे पीछे से जो सप्लाई है वो कम हो रही है और इस वजह से कीमत बढ़ गई है। कुछ लोग जो सब्जी खरीद रहे हैं इनसे समझते हैं कि इनकी जेब में क्या। अरे इधर आ जाओ, अच्छा लेट हो आप। चलिए ठीक है, ठीक है। प्याज की कीमत जो बढ़ गई है उससे क्या असर पड़ रहा है आपको? बहुत असर पड़ रहा है सर, बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है हमारे जी। देखिए चुनावी राज्य है राजस्थान और ऐसे में जयपुर की मंडी से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, जैनेन्द्र हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको दूसरे चुनावी राज्य मध्य प्रदेश लेकर चलती हूँ, भोपाल से आप देख रहे हैं निधिश्री हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं निधिश्री से यहाँ पर प्याज की महंगाई चुनाव में भी फैक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है क्या निधि? तुम्हारा चुनावी राज्य भोपाल है, आप सही कह रही, मध्य प्रदेश है और सही कह रही है, लेकिन क्या ये महंगाई लोगों को यहाँ इस बार चुनाव में एक मुद्दा देने जा रहा है, ये लोगों से जानूंगी। कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं और इनसे जरा मैं देखूंगी। ये देखिए पहले 1 किलो प्याज इन लोगों ने खरीदा है और सोच कर कैसे आए थे कि कितने रुपये प्याज खरीद पाएंगे? 40 रुपये सोच कर आया था कि 40 रुपये मिल जाएगा तो ले लेंगे 1 केजी, और ज़्यादा भी ले सकते थे, बट अब 60 रुपये है तो 1 केजी में काम चलाना पड़ेगा बस। पहले तो 40 ही था, अभी 2 दिन में ही 60 हो गया है और बाकी जगह तो 80 भी है। आपको पता है कि आपके राज्य में चुनाव है? जी बिल्कुल। क्या इस चुनाव में लोगों के लिए महंगाई एक मुद्दा है? बिल्कुल बिल्कुल एक मुद्दा है, क्योंकि देखिए जब जैसे जैसे महंगाई बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हम लोग का सारा कुछ क्या कहते हैं पैसा वैसा का भी कमी, और गरीब लोग बहुत सारे यहाँ पे हैं वो खरीद नहीं पाएंगे। गरीब लोगों को बहुत परेशानी होती है, नॉर्मल लोग तो फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं, गरीब लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अब जरा मैं इनसे जानूंगी, चूँकि आप प्याज बेच रही हैं, 2 दिनों पहले कितने रुपए कीमत थी प्याज की और आज कितनी? 40 रुपए किलो 2 दिनों पहले, आज 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो क्या लोग खरीदने आ रहे हैं? बहुत कम ही, पावर लेते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं, पावर ही लेके जाते क्योंकि सब्जी अच्छी नहीं बनती ना, इसके कारण वो 250 ग्राम ही खरीदते हैं। इसका असर क्या जो सब्जी विक्रेता है आप जैसे लोग उन पर भी पड़ रहा है क्या? पड़ रहा है ना, हम लोग के भी पैसे ज़्यादा जाते हैं, जो कट्टा 1000 और 1500 रुपये का आता था वो कट्टा 3000 में आता, तो हम लोग सब्जी कम कर देते कि अगर प्याज नहीं रखेंगे तो दुकानदारी खराब होगी, क्योंकि ग्राहक को चाहिए इसलिए जी। अब सब्जी कम कर दी हम लोगों ने, प्याज तो रखना पड़ेगा ना, भले ही 250 ग्राम लेगा ग्राहक तो लेगा तो ज़रूर। देखिए ये दोनों स्पष्ट है, जो कि सब्जी खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों से बातचीत करने के बाद ये तो स्पष्ट हो गया है कि महंगाई मुद्दा है, लेकिन क्या ये एक बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में बनने वाला? और दूसरी तरफ बिल्कुल लोग प्याज खरीदने भले आ रहे हो, लेकिन अब उन्होंने जैसे कोई 1 किलो खरीद रहा था तो वो अब आधे किलो ही खरीद रहा है। तो ये निधि मैं जरा दर्शकों को अब महाराष्ट्र मुंबई लेकर चलती हूँ, लता शर्मा हमारे साथ मौजूद है और महाराष्ट्र तो जाना जाता है प्याज की पैदावार के लिए, ऐसे में लता मुंबई में प्याज की कीमतों का क्या है हाल? देखिए मुंबई में प्याज की कीमतें जो है वो भी आसमान छूते नजर आ रही हैं, देश की आर्थिक राजधानी होने के नाते और जो त्योहार है लगातार मुंबई में देखे गए, इस बीच अब जो प्याज का दाम है 2 गुना बढ़ चुका है। 15 दिन पहले की बात करें तो 30 रुपए था और अब जो है 60 रुपए से 70 रुपए किलो चुका है होलसेल मार्केट में फिलहाल। भैया कितने रुपए का हो गया है प्याज? प्याज 70 रुपए किलो है, 70 72 70। जो ठेले वाले होते हैं उनके वो 80 रुपए किलो बेचेंगे अभी किलो। सर अभी आप प्याज लेने आए थे, क्या कहना चाहेंगे? डबल रेट है मैम, डबल रेट है, सीधा डबल रेट कर दिया है।
ये तो सर होलसेल मार्केट है, अगर हम ठेले की बात करें बाहर तो 100 रुपए मिलने वाला है। 100 रुपए मिलने, 15 दिन पहले कितना था? 15 दिन पहले यही 25 रुपए था, 30 रुपए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं कितना दाम चल रहा है अभी प्याज का। 15 दिन पहले 25 रुपए, 30 रुपए, अब 80-100 रुपए बताया जा रहा है। पहले था 30 रुपए, अभी 60-70 रुपए चल रहा है किलो में। अच्छा, थोड़ा महंगा है। जेब पे असर पड़ रहा है इसका? पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, जेब पर असर पड़ रहा है, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से प्याज की कीमतें लगातार चढ़ती जा रही हैं। शुक्रिया आपका लता। तो मुंबई, जयपुर और भोपाल का हाल आपने जान लिया। ABP News आपको रखे आगे।